सो लेट गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू के भाई 51 डिवाइस के अंदर आप क्लोन ऐप सेटिंग का यूज कैसे कर सकते हो। क्लोन ऐप दैट मींस आप एक एप्लीकेशन का आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो और दोनों का आप जो है अलग अलग रजिस्टर कर सकते हो अलग अलग नंबर से, चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर फेसबुक कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम, ये सभी एप्लीकेशन को आप क्लोन इजिली कर सकते हो। तो चलो हम डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे अपने फोन के अंदर क्लोन ऐप सेटिंग का आप यूज करेंगे। और गाइस मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ, काफी सारे एप्लीकेशन हमारे ऑलरेडी क्लोन है तो मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ ताकि आप जो अपने फोन के अंदर इसका प्रॉपर यूज कर पाए। गाइस यहाँ पर हमारा डिवाइस है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्लोन ऐप एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस हमने यहाँ पर व्हाट्सएप की बात की तो सेकेंड व्हाट्सएप हमारे पास यहाँ है और ये व्हाट्सएप हमारे पास यहाँ है, तो ये जो है क्लोन है, ये व्हाट्सएप का दैट मींस डुप्लीकेट है व्हाट्सएप का, तो इसे ही हम क्लोन ऐप कहते हैं। इसे करने के लिए आपको सेटिंग्स को जस्ट प्रेस करना होगा। आप यहाँ पर आएंगे गाइस, यहाँ पर काफी ऑप्शंस है, अगर आपको सर्च बटन मिलता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो क्लोन, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्लोन। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फोन क्लोन है ऐप क्लोन है, ऐप फोन को क्लोन नहीं करना है, फोन क्लोन होता है किसी न्यू या फिर ओल्ड डिवाइस को एक डुप्लीकेट बनाना, तो उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो कभी बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कैसे आप जो है फोन का क्लोन बना सकते हो। और नीचे है ऐप क्लोन, ये जो सेटिंग्स है आप यहां से ओपन कर सकते हो, आप मैनुअली आके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन एंड परमिशन का, इसको जस्ट प्रेस कर लेना। और नीचे आपको थर्ड वाला जो ऑप्शन मिलेगा वो है ऐप क्लोन, इसको जस्ट क्लिक करना। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से सेटिंग्स आ जाएगी, आपको भी सेम सेटिंग देखने को मिलेगी। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने एप्लीकेशंस क्लोन हो सकते हैं वो एप्लीकेशंस यहाँ पर शो हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे एप्लीकेशंस है यही क्लोन हो जाएंगे, और इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस आप डालेंगे, जितने भी कैपेबल होगी आपका फोन कैपेबल होगा क्लोन करने के लिए, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएंगे। और जस्ट यहाँ से भी आप क्लोन कर सकते हो, आप इस तरह से जैसे फेसबुक पे हमने कर दिया, फेसबुक क्लोन हो चुका है, और इंस्टाग्राम पे हमने कर दिया, इंस्टाग्राम भी क्लोन हो चुका है। आप इसको यूज भी कर सकते हो, क्लोन ऐप इंटरेस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यूज इंटरफेस है, आपको किस तरह से क्लोन ऐप करना है वो यहाँ आपको मिल जाएगा इजिली। नोट है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर रीड करना चाहो तो। फिलहाल मैं दिखाना चाहूंगा आपको हमारा जो फेसबुक मैक्स प्लेयर, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों क्लोन हुआ था वो यहाँ पर दोनों शो हो रहा है, आप देखोगे Look at this guys. यहां पर हमारा इंस्टाग्राम, देयर फेसबुक। अब ये गाइज हम आपको बताएंगे एक मैनुअल तरीका और कि आप जो है सेकेंड जो ऑप्शन है उस तरीके से कैसे क्लोन कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसे यहां से हटाना होगा, आप चाहे सेटिंग से हटा सकते हैं, यहां से हम इसको बंद कर सकते हैं इजिली, ये बंद हो चुका है दोनों। अब हम यहां से चाहेंगे कि हम फोन स्क्रीन से ही क्लोन करना, सेटिंग्स को बार बार कोई यूज तो करेगा नहीं कि बार बार सेटिंग्स के अंदर जाऊं, तो मैं स्क्रीन के ऊपर ही क्लोन करके दिखा देता हूं ताकि आप जो है इजिली कर पाए अपने फोन के अंदर। तो हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर हम लोग प्रेस करेंगे, जैसे कि मैक्स प्लेयर पर ही कर लेता हूं। अभी देखोगे गाइस हमारे पास कुछ फोनों में जो न्यू स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें और ऐप इंफॉर्मेशन, ऐप क्लोन डायरेक्टली एक पैटर्न में मिल जाते हैं, और कुछ फोन में आपको एक कट बटन मिल जाता है। तो कट बटन जहां जहां आपको मिल रहा है, देखो सभी के सभी अगर कट बटन पर प्रेस करेंगे तो अनइंस्टॉल हो जाएंगे इजीली, आपको पता होगा। और गाइस जहां आपको प्लस का सिंबल मिल रहा है कट बटन के जस्ट नीचे, वो क्लोन हो जाएंगे। जैसे कि फेसबुक के साथ मिल रहा है, मैं प्लस कर दूंगा तो फेसबुक हमारा क्लोन हो जाएगा। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के साथ भी प्लस का साइन है, हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इंस्टाग्राम भी प्लस हो जाएगा। अब देखो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों इजिली क्लोन हो चुका है। बस ऐसे ही करके आपको इस सेटिंग का यूज करना है, आई होप अपने फोन के अंदर आप इसका इजिली यूज कर पाएंगे। लेकिन गाइस अगर आपको क्लोन ऐप यूज करने में कोई प्रॉब्लम और होती है आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा, वहां भी आपको आर्टिकल वगैरह इसके रिगार्डिंग रीड करने को मिल जाएगा, जिससे रीड करके भी अपने फोन के अंदर क्लोन ऐप यूज कर सकते हो। बस गाइस यही थी आज की वीडियो, देखने के लिए बहुत थैंक यू गाइस, एंड हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।